लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें उत्तराखंड की लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने इस बार किस पर भरोसा जताया है ये दर्ज है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार हो रहा था। कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी कर सकती है और आज यानी 12 मार्च को पार्टी ने लिस्ट जारी भी कर दी है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस द्वारा जारी किए गए उम्मीदवार में 3 उम्मीदवार उत्तराखंड के हैं, यानी भाजपा की तरह ही कांग्रेस ने भी उत्तराखंड की 2 सीटों पर संशय की स्थिति पैदा कर दी है। खैर, उत्तराखंड में किस उम्मीदवार को कौन सी लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से गणेश गोदियाल को टिकट मिला है। वहीं अल्मोड़ा सीट से पार्टी ने एक बार फिर से पूर्व सांसद प्रदीप टमटा पर भरोसा जताया है। वहीं बात करें टिहरी लोकसभा सीट की, तो टिहरी से जोत सिंह गुनसौला को टिकट मिला है। हालांकि भाजपा की तरह ही कांग्रेस ने भी हरिद्वार और नैनीताल सीट पर किस उम्मीदवार को उतारने वाली है इसे सस्पेंस में रखा है। बताते चलें कि इस बार उत्तराखंड के नैनीताल और हरिद्वार में सबसे कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के चलते दोनों पार्टियां कोई जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है।